रियल स्टेट एज विद जिमी सिंह, और हम जिमी सिंह के साथ बैठे हैं। और जीटीए में बहुत सारे लोग ये यू नो अब ये प्राइसेस की वजह से वो अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है, तो सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों ने आया है जीटीए में, मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में से, कि कॉन्डो एक अफोर्डेबिलिटी में है, तो उसके लिए क्या टिप्स आप दे सकते हैं जो लोग कॉन्डो बाय करना चाहते हैं? सर, कॉन्डो में तो सबसे पहले जब हम कॉन्डो खरीदने जाते हैं, अगर लेट्स से रीसेल कॉन्डो है, ठीक, वी हैव टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कॉन्डोमिनियम, ठीक है, सो जो उसकी मैनेजमेंट है। नहीं सर, मैं बताता हूँ कि लेट्स से इफ आई एम एजेंट, आई एम ट्राइंग टू पुट अ ऑफर, ओके, तो इन द ऑफर कंडीशन आई विल पुट के इट इज कंडीशनल अपॉन योर लॉयर और सॉलिसिटर रिव्यूइंग कॉन्डो डॉक्स। ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि लेट्स स्टार्ट विद कॉन्डो फी। जो कई बंदे सोचते हैं कॉन्डो फी तो वेस्ट है, ओके, राइट, सो आई गिव यू एग्जांपल, लेट्स से अगर आपने घर खरीदा डीटैच, इसमें कोई फीस नहीं होगी, फ्री होल्ड है, आपने घास भी काटनी है, अगर किसी को हायर करोगे पैसे दोगे, ठीक है, बिजली के बिल भी देने हैं, उसके अलग से पैसे हैं, बिल्कुल, इफ यू हैव अ जिम मेंबरशिप उसके भी पैसे दोगे, ठीक है, वर्सेस इफ अ कॉन्डो, कॉन्डो में ऑलरेडी जिम है, तो कहां $50 दे रहे हैं, उसमें जिम ऑलरेडी इंक्लूड है, सम बिल्डिंग्स ऑलरेडी हैव इलेक्ट्रिसिटी, हीट, हाइड्रो इंक्लूडेड, ठीक है, नहीं, सो एट द एंड ऑफ द डे जो कॉन्डो की फी होती है, आजकल जो नए कॉन्डो बन रहे हैं देर रफली 30 cents to 50 cents पर स्क्वायर फीट, जो कई पुरानी बिल्डिंग है उनकी फीस चाहे $500-600 होगी, बट अगर उसमें पानी, इलेक्ट्रिसिटी, केबल सब कुछ इंक्लूसिव है, सो इट्स लाइक सेम टाइम अब घर में भी पैसे देने, इधर भी पैसे देने, राइट, सो व्हाट यू हैव टू सी इज इफ द बिल्डिंग इज प्रीटी ओल्ड, कि उसका जो कॉन्डो फाइनेंशियल्स हैं, जो डिक्लेरेशन है, उसमें उन्होंने बताया होता है कि इसके जो फंड्स है, रिजर्व फंड है, उसमें पैसा कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, सो लेट्स से अगले 5 साल में उसमें एलिवेटर चेंज होने हैं, एलिवेटर्स आर नॉट चीप, सो यू हैव टू नो कि रिजर्व फंड में उतना पैसा पड़ा हुआ है, अगर उसकी बैल्कनीज इंप्रूव करनी है, या कॉमन लॉबी इंप्रूव करनी है, या एक्सटीरियर सारा खराब हुआ पड़ा है, दे आर डूइंग स्टक्को, तो उसमें कितना पैसा लगेगा, सो बेसिकली यू हैव टू चेक इट, कि फ्यूचर अगर आपने आज खरीदा 5 साल में बेचना है, आई शुड बी लुकिंग 5 साल में ये ना कॉन्डो फी बढ़ जाए, बिकॉज इफ द कॉन्डोमिनियम गेट अ स्पेशल असेसमेंट, वॉट इट बेसिकली मीन्स इज इन अ बिल्डिंग, लेट्स से दिस 500 यूनिट्स, ओके, और वो बिल्डिंग को थॉरली रेनोवेट करना है, एंड दे आर सीकिंग नाउ लोन फ्रॉम आरबीसी, के उनको 4 लाख का लोन दे दो कि हम ये सारी रेनोवेशन कर लें, तो दे विल प्रोरेट द लोन ऑन ईच यूनिट होल्डर, अच्छा, डिपेंडिंग आपका यूनिट का साइज कितना, आप पे वो असेसमेंट आ जाती है, ठीक है, तो अगर कोई पुरानी बिल्डिंग लोग खरीद रहे हैं जिसपे स्पेशल असेसमेंट है, उसमें चैलेंज क्या होता है ड्यूरिंग स्पेशल असेसमेंट, और पीपल आर स्केर्ड के फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, वो बिल्डिंग की प्राइस प्लेटो कर जाती है फॉर कपल ऑफ इयर्स, लेट्स से वो लोन को पे ऑफ करने में 7 साल लगते हैं, मतलब 7 साल मैंने देखा है कि एवरी बिल्डिंग की प्राइस नहीं बढ़ती, दे लॉट मेनी सेलर्स देन बायर्स, ठीक है, सो अगर क्लाइंट कहता है कि सर मैं खरीदू ना खरीदू, मैं उसे कहता हूँ तुमने 20 साल रहना है और असेसमेंट 5 साल में पे हो जाएगी, देन इट शुड बी ओके, बट यू हैव टू लुक एंड डिग मोर, राइट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब असेसमेंट वाली ऐसे बिल्डिंग लोग खरीदते हैं, सेलर प्रीटी मच पे ऑफ, उसे पता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो मैं असेसमेंट जितनी भी बनती है मेरे साथ की 20-30 हज़ार मैं पे कर दूंगा, ठीक है, सो लुक एट फाइनेंशियल हेल्थ, दैट इज नंबर वन, गेट टू नो द कॉन्डो फी, कि 30 cents, 50 cents अगर पर स्क्वायर फीट कॉन्डो फी उसमें इंक्लूसिव क्या है, एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, ओके, कॉन्डो क्या सर कि लाइफ स्टाइल के लिए भी अच्छा है, चाहे फर्स्ट टाइम बायर हो, रिटायरीज हो, यू नो यू वॉन्ट के मैं डाउन टाउन में रहूं, अपना मेरे को कोई टेंशन ना हो, तो उसके लाइफ स्टाइल के हिसाब से कॉन्डो बहुत बढ़िया, केयर फ्री, हाँ जी, आई वर्क विद लॉट ऑफ सिंगल प्रोफेशनल लेडीज जो अच्छी जॉब्स होती हैं, बट दे डोंट वांट टू डू ऑल द मेंटेनेंस, ठीक है, और उनको सिक्योरिटी भी चाहिए, मैं ऑड टाइम पे आ रही हूँ रात को या सुबह जा रही हूँ काम पे, तो सिक्योरिटी बैठी हुई है, अगर मैं फ्लोरिडा 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को पता है मेरा कॉन्डो बंद है, कोई मेरा सामान नहीं चोरी करके जा रहा है, राइट, सो कॉन्डो में स्टेप यही होता है कि आप ये फाइनेंशियल चेक करें एंड गेट योर मॉर्गेज अप्रूव्ड, सबसे पहले जैसे लास्ट में वीडियो बात की थी, गेट योर मॉर्गेज अप्रूव्ड, सो एटलीस्ट यू नो, एंड उसके बाद एक अच्छा एजेंट हायर करें जिसको इसकी कॉन्डोमिनियम एक्ट की और कॉन्डोमिनियम में जो स्पेशल चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखे वो, ठीक है, राइट, एंड उसके बाद लेट्स से आई फाइंड के अगर हम एजेंट के साथ बैठते हैं, यू शुड हैव अ स्ट्रेटजी कि मैं नए कॉन्डो भी देखूं, पुराने भी देखूं, एंड देन बेसिकली मैं ये देखूं रीसेबिलिटी की जो मार्केट में भी बाहर घूम रहा है उसके टेस्ट क्या है, ओके, सो लेट्स से कोई 25 साल पुराना कॉन्डो है वर्सेज कोई 2 साल नई बिल्डिंग है, जब तक नई बिल्डिंग वो 20 साल की होगी वो 50 साल की बिल्डिंग हो जाएगी, सो विद टाइम पीपल टेस्ट चेंज, तभी आप बिल्डर के डेकोर सेंटर में जाओगे जो उसकी आज के कंटेम्पररी डिजाइन होंगे, पेंट भी वैसा होगा, फिनिशेस भी वैसी होंगी, बिकॉज यू हैव टू डू लॉट ऑफ रेनोवेशंस, सो यू नीड टू नो दैट। उसके बाद क्या होगा कि जब हम कॉन्डो में ऑफर डालते हैं, यू हैव टू नो कि उसमें कंडीशंस कौन सी हैं, टिपिकली वी पुट कंडीशन ऑफ फाइनेंसिंग, इंस्पेक्शन एंड कॉन्डो रिव्यू,
ओके, सो कॉन्डर भी क्या होता है कि हम सेलर से आस करते हैं कि जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें भेज दें, अपने लॉयर से रिव्यू कराते हैं। सो टिपिकली इट टेक्स 10 डेज, हम ऑनलाइन भी कर लेते हैं, एंड लॉयर टेक्स 2-3 डेज टू यू नो गो थ्रू एवरीथिंग। अच्छा, सो यू आर प्रोटेक्टेड, सो दैट कैन बी योर एस्केप क्लॉज, इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू सी यू कैन बैक आउट ऑफ द डील। ओके, सो उसमें हम ये कर सकते हैं कॉन्डो में। एंड देन उसके बाद हम करेंगे कि बैंक का अप्रेजल अरेंज कराएंगे। ओके, सो लेट्स से अगर आपने मॉर्गेज बैंक से लेनी है, डोंट वेट टिल द एंड, क्योंकि आजकल मार्केट क्रेजी है जीटी में। मोस्टली अगर आप मिसागा में खरीद रहे हैं, लंदन में भी खरीद रहे हैं, मल्टीपल ऑफर चल रही है, तो पीपल गेट इमोशनल, यू नो इमोशनल, अगर आपने घर लेनी 20-25 ऊपर दे दोगे आप, ठीक है नहीं, बट यू वांट टू मेक श्योर कि वो अप्रेजल आपको पता हो कि लास्ट मिनट पर ये ना बैंक आएगा, अप्रेजल 50,000 सस्ती कम आई है, आपको 50,000 और अरेंज करना पड़ेगा। सो अ टिप इज, आई टेल माई क्लाइंट्स के बिफोर यू डू दैट, कंडीशनल पीरियड में ही बैंक को फोन करो, कहो मेरे पास 10 दिन फाइनेंसिंग के हैं, उसके दौरान ही अप्रेजल भेज दे। सो विद इन 10 डेज एग्जैक्टली नो अप्रेजल आया कितने का। सो अगर आपने 20 ऊपर दिया, 30 दिया, एटलीस्ट यू कैन अरेंज बिफोर क्लोजिंग। सो दैट इज अ टिप आई कैन गिव अप्रेजल का। एंड देन क्लोजिंग डे से पहले मैं कई टिप देना चाहता हूँ कि हम जैसे बिल्डिंग में जाते हैं, ठीक है, हमें पता होना चाहिए भी उसमें एलिवेटर बुक होना चाहिए। यू कांट सिंपली टेक आउट टैची एंड से मैंने अपने पूरा फर्नीचर लोड करना है, बिकॉज़ देयर इज लाइक 500 पीपल लिविंग देयर। सो यू हैव टू गो टू मैनेजमेंट कंपनी, गेट अ फॉर्म, मूविंग डे फॉर्म, दे माइट आस्क यू फॉर सिक्योरिटी ऑफ $200-$300 कि एलिवेटर आपके नाम पे इतने घंटे के लिए बुक है, तो आप अपना सामान आराम से मूव कर सकते हो। ये मैंने वैसे खुद देखा हुआ है, लोगों के ना बड़ा स्ट्रगल करते हैं। हाँ जी, उनको पता नहीं तब चल रहा, एजेंट को गाइड करता है, वो अपने टैची लेके पहुंचे होते हैं, वो कहते हैं सर आप जा ही नहीं सकते, यू नो दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, राइट। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जैसे अपना लॉयर के पास जाते हैं क्लोजिंग लेनी है, बिकॉज टोरंटो में प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर डूइंग पार्टनरशिप्स, जॉइंट वेंचर करके खरीद रहे हैं कि हम इनकम मिला लेते हैं, हम खरीद लेंगे, राइट। सो लेट्स से अगर मैं और मेरी वाइफ या कोई कॉमन लॉ खरीदता है घर, तो मोस्टली लॉयर जब क्लोजिंग करता है वो करता है एज अ जॉइंट टेनेंट, दैट्स अ लीगल यू नो टर्म है। जॉइंट टेनेंट का क्या मतलब है, लेट्स से दो बंदों में से एक की डेथ हो जाती है, तो उसका जो शेयर है दूसरे को अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। राइट, एक हमारे पास टर्म होती है टेनेंट्स इन कॉमन, ठीक है। सो आपको लॉयर को बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट जॉइंट टेनेंट कर देगा। एंड टेनेंट इन कॉमन में क्या होता है कि लेट्स से अगर दो पार्टनर हैं या कॉमन लॉ है, कल को बात नहीं बनती है, बात बिगड़ जाती है, या बंदे की डेथ हो जाती है, तो उसमें उसका शेयर ऑटोमेटिकली दूसरे को ट्रांसफर नहीं होता, उसकी विल के हिसाब से जो भी उसका मतलब बंदा है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। ओके, सो यू हैव टू नो एक्चुअली कि जॉइंट टेनेंट और टेनेंट इन कॉमन में क्या फर्क है, एंड यू हैव टू टेल लॉयर कि आप क्या चाहते हो, कि आप चाहते हो कि आपका जो बेनिफिशियरी है आपकी विल के हिसाब से उसको मिले, कि आप जब तक मेरा शेयर मरने के बाद सारा उसको एक बंदे को मिल जाए। यू हैव टू यू नो गाइड दोज थिंग्स एज वेल। एंड देन ऑब्वियसली एट द क्लोजिंग डेट ये स्टेप होता है कि जब आपने जाना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रांजेक्शन कैन क्लोज अप टू 5 PM बाय लॉ। तो ये ना करो मूविंग कंपनी को कह दो सर 9 बजे टैची लेके पहुंच जाओ पार्किंग में, तो वो अपना मीटर घुमाई जाएंगे घंटे के हिसाब से, $50-$60 an hour। ओह माय गॉड, तो आप ट्रक लेके पहुंच जाओ 9 बजे, तो क्लोजिंग हो रही है 5 बजे की, तो 8 घंटे के फ्री में बैठ के उनको चाय पकौड़े खिलाओ, एंड देन यू नो यू पे देम मनी। एंड लास्ट थिंग इज डोंट क्लोज ऑन फ्राइडेज, लॉयर्स आर वेरी बिजी ऑन फ्राइडे, अगर कोई ग्लिच आ जाए, कोई पंगा पड़ जाए, बेसिकली क्लोजिंग विल गो ऑन मंडे, तो 2 दिन आप होटल में एंजॉय करो फिर। और देखा आपने के बड़ी अगेन वो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दी है कि कहाँ कहाँ पे आपकी पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ से आप पैसे सेव कर सकते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जब भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के तौर पे आएँ, इवन कॉन्डो में, तो मेक श्योर यू हैव अ रियल रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग फॉर यू, नॉलेजेबल और वर्किंग फॉर यू। देखते रहिए रियल स्टेट एज विद जिमी सिंह।